हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से डायन, चुड़ैल या पिशाचनी की कहानी ज़रूर सुनी होगी, और हम सभी आज तक ये सोचते आ रहे हैं कि क्या वो बचपन में सुनी हुई कहानियाँ सच्ची थी या झूठी। और इसीलिए IPS प्रोडक्शन द्वारा छाया मूवी में एक पिशाचनी के रूप को पोर्ट्रे किया गया है। ये मूवी काफ़ी यूनिक टॉपिक पर है, जो कि इंडिया के दूर दराज गाँवों में घटित हुई घटनाओं पर आधारित है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी की स्क्रिप्ट से लेकर म्यूज़िक तक सभी चीज़ ओरिजिनल है। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। तंत्र मंत्र और शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि उन्हें एक नहीं कई बार दोहराने की ताकत भी रखती। तो आज हम मूवी ह्यूमन सेंटीपीड फुल सीक्वेंस यानी कि पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो कि ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 1 को फॉलो करती है। इसीलिए अगर आपने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देख लीजिए, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन से मिल जाएगी। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग मूवी है और वीडियो में भी कई सारे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, तो अगर आप खून खराबा नहीं पसंद करते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वैसे तो मूवी में खून खराबा करने के लिए इसे डायरेक्टर टॉम सिक्स ने फुल ब्लैक एंड वाइट में ही रखा है, लेकिन फिर भी मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। सेंटीपीड मूवी पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस एशली येनी और एशली विलियम थी, जिसने कि जेनियो लिंडसी का रोल प्ले किया था। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में भी इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग सीन में हमें पिछली मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है कि किस प्रकार जापानीज आदमी और लिंडसी मर जाती है, लेकिन जेनी जिंदा थी, और पार्ट 1 खत्म कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि एक आदमी इस मूवी को अपने लैपटॉप पर देख रहा है, यानी कि सेंटीपीड मूवी के पार्ट 1 को एक मूवी ही बताया गया है। इस आदमी का नाम मार्टिन था, जो कि 40 साल का अस्थमा से पीड़ित एक मोटा सा भद्दा आदमी था, जो कि दुनिया की नज़रों में बिल्कुल ही यूजलेस था। वो लंदन के एक पार्किंग लॉट के टोल पर काम करता था और कई बार ह्यूमन सेंटीपीड मूवी रिवाइंड करके देख रहा था। तभी वो पार्किंग के CCTV में हलचल देखता है और पार्किंग लॉट में एक यंग कपल झगड़ रहे थे। लड़के का नाम इयान था और वो अपने कार की चाबी खो चुका था, जो कि उसके डैड की थी। मार्टिन अपने हाथ में लोहे की रोड लिए उस कपल के पास जाता है और इयान को लगता है कि वो रोड से उसकी कार का लॉक तोड़ने वाला है। और इयान मार्टिन को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, जिससे कि मार्टिन अपनी पॉकेट से गन निकालता है जो कि उसने छुपा रखी थी, और इयान के पैर में मार देता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जोर से चिल्लाती है, जिससे कि मार्टिन एक गोली उसके पैर में भी मार देता है और दोनों के सिर पर रॉड से मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं। फिर मार्टिन अपना ट्रक लाता है और दोनों को उसमें डालकर फिर से अपने केबिन में आकर ह्यूमन सेंटीपीड देखने लगता है और अपनी बुक पर हाथ फेरता है, जिसमें सिर्फ सेंटीपीड मूवी के फोटोग्राफ्स और उसकी एक्ट्रेस के इमेज थे। फिर वो अपना ट्रक लेकर एक वेयरहाउस के पास जाता है, जो कि वो रेंट पर लेता है। और जब वेयरहाउस का ओनर मार्टिन से पैसों की डिमांड करता है, तो मार्टिन वेयरहाउस के ओनर को रोड से मारकर घायल कर देता है और अपने ट्रक से इयान और उसकी गर्लफ्रेंड को निकाल कर लाता है, जो कि डक्ट टेप से बंधे हुए थे। और मार्टिन इयान की गर्लफ्रेंड के कपड़े कैंची से काट कर उतार देता है। तभी मार्टिन के पास एक कॉल आता है, जो कि एक्टिंग मैनेजमेंट कंपनी से था। वो मार्टिन से कहते हैं कि सेंटीपीड मूवी के एक्टर्स लंदन ऑडिशन के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास कोई खाली डेट्स नहीं है, और वे फ़ोन काट देते हैं। अगले दिन मार्टिन अपने घर पर था और अपने बेड पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। तभी उसकी मॉम आकर उसे चिल्लाते हुए जगाती है, क्योंकि आज उसकी अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी और वो अभी तक सो रहा था। उसकी मॉम के जाने के बाद वो अपनी बुक को देखता है और कपड़े पहनकर लिविंग रूम में आता है, और सबसे पहले वो अपने पेट, जो कि एक सेंटीपीड था, उसको फीड करता है। फिर डॉक्टर के पास आता है, जहाँ मार्टिन की मॉम डॉक्टर से कहती है कि मार्टिन अक्सर 12 लोगों के साथ सेंटीपीड की बातें करता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मार्टिन शायद सेंटीपीड के काटे हुए दर्द को अपने ऊपर महसूस करता है, क्योंकि उसके फादर उसे बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे, और चिल्ड्रन राइट्स वालों ने मार्टिन के पिता को जेल में डाल दिया, जिसका जिम्मेदार मार्टिन की मॉम मार्टिन को ही मानती थी। वो मार्टिन की मेंटल इलनेस का फ़ायदा कई बार उस डॉक्टर ने भी उठाया था,
और इसी वजह से मार्टिन डॉक्टर से भी नफरत करता था। डॉक्टर के जाने के बाद मार्टिन अपनी माँ के साथ लंच करता है और उसकी माँ मुझसे कहती है कि वो मार्टिन से बहुत परेशान है, इसलिए उसने खुद को और मार्टिन दोनों को मारने का फैसला किया है। तभी मार्टिन के घर के ऊपर वाली फ्लोर से लाउड म्यूजिक की आवाज़ आती है, जिससे परेशान होकर मार्टिन की मॉम एक स्टिक से छत को पीटती है, जिससे कि ऊपर रहने वाला एक अग्रेसिव बॉडी बिल्डर आकर मार्टिन को पीटकर चला जाता है, जिससे कि मार्टिन को बहुत चोट आती है। मार्टिन अपने पार्किंग टोल पर अक्सर ह्यूमन सेंटीपीड कई बार देखता है और वो डॉक्टर जोसेफ हाइटर की ही तरह लैब कोट पहनता है। मार्टिन मूवी से डॉक्टर हाइटर की सर्जरी वाली ड्रॉइंग को अपनी बुक में कॉपी करता है। फिर वो पार्किंग से कपल को किडनैप करता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और वो दो और लड़कियों को किडनैप करके उसी वेयरहाउस में ले आता है जहाँ पर बाकी के लोग भी बंधे हुए थे। वो सभी के कपड़े उतार कर उन्हें बांध कर सीधी लाइन में पटक देता है, और इतनी मशक्कत करने के बाद में उसे अस्थमा का अटैक आता है और मार्टिन अपने पंप से मेडिसिन लेकर वापस नॉर्मल होता है। और तभी मार्टिन के पास एक्टिंग मैनेजमेंट कंपनी से कॉल आता है कि सेंटीपीड मूवी की एक्ट्रेस एशली यानी ऑडिशन के लिए रेडी है, वो लंदन आने वाली है। दरअसल मार्टिन ने एक्टिंग मैनेजमेंट को कॉल करके बताया था कि वो डायरेक्टर क्विंटिन टोरेंटिनो का एजेंट है। वो डायरेक्टर टोरेंटिनो ह्यूमन सेंटीपीड मूवी के एक्टर से इतना प्रभावित हुए हैं कि वो उनके साथ एक और मूवी बनाना चाहते हैं, जिसका ऑडिशन उन्होंने लंदन में रखा है। जिन्हें क्विंटिन टोरेंटिनो के बारे में नहीं पता, तो मैं उन्हें बता दूं कि टोरेंटिनो एक फेमस अमेरिकन डायरेक्टर हैं जो कि अपने खून खराबे वाली मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। इधर मार्टिन आधी रात को अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मॉम उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्टिन को इसका पता चल जाता है। मार्टिन की मॉम को मार्टिन के बेड के नीचे से उसकी बुक मिलती है जिसमें सेंटीपीड की सारी डिटेल्स थी। मार्टिन ने उसमें 12 लोगों के साथ ह्यूमन सेंटीपीड वाले ऑपरेशन का जिक्र किया था, जिसे देखकर मार्टिन की मॉम उस बुक को फाड़ देती है और मार्टिन को इस बात का बहुत अफसोस होता है। मार्टिन अपना सफ़ेद लैब कोट पहनता है और अपने पालतू सेंटीपीड से अपनी मॉम को कटवा कर उसके सिर पर कई सारी रोड़ मारता है, जिससे कि उसकी मॉम मर जाती है। और फिर वो अपनी मॉम की लाश के साथ लंच करता है और ऊपर रहने वाले बॉडी बिल्डर को भी रोड़ से मारकर बेहोश कर देता है। मार्टिन अपने पार्किंग लॉट में अपने डॉक्टर को गोली मार देता है और उसके ड्राइवर और पार्किंग लॉट से ही एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को किडनैप करता है और वो सभी को अपने वेयरहाउस ले आता है, जहां मार्टिन को एक्टर एशली यानी के मैनेजर का मैसेज मिलता है कि वो 6 बजे की फ़्लाइट से लंदन आ जाएगी। और मार्टिन ठीक उसी समय पर येनी को एयरपोर्ट से अपने ट्रक में ले आता है। येनी को लग रहा था कि वो क्विंटिन टोरेंटिनो की फिल्म के ऑडिशन के लिए आई है, लेकिन उसे क्या पता था कि मार्टिन के दिमाग में क्या चल रहा है। मार्टिन येनी को वेयरहाउस के अंदर लाता है और अंदर पहुँचते ही वो येनी के सिर पर रॉड से हमला कर देता है और अपने बैग से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी ड्राॅइंग निकालता है। मार्टिन अब पूरे 12 लोगों को इकट्ठा कर चुका था और वो डॉक्टर हाइटर की ही तरह एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाने वाला था। वो डॉक्टर की ही तरह सभी की बॉडी पर मार्कर से निशान लगाता है, फिर वो उनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकाल देता है, वो भी बिना किसी सर्जरी और एनेस्थीसिया की मदद से, सीधा एक मामूली सी कैंची और एक छोटे से हैमर से। फिर वो एक एक करके सभी के दांत निकालता है। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन बंद होने के कारण कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मार्टिन एक आदमी के हिप की स्किन निकालता है, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण वो मर जाता है, जिससे कि मार्टिन काफ़ी दुखी होता है। और वो एक प्रेग्नेंट औरत को छोड़कर बाकी सभी लोगों के फेस को एक दूसरे के एनस से स्टेपलर की मदद से स्टेपलर करता जाता है, और वो डक टेप से एक दूसरे को बांध देता है ताकि कोई भी अलग नहीं हो पाए, और वो सभी को मिलाकर 10 लोगों का एक ह्यूमन सेंटीपीड बना देता है, जिसकी लीड थी एशली येनी। मार्टिन जोसेफ हाइटर की ही तरह येनी को फीड करता है, लेकिन वो नहीं खाती। फिर वो एक पाइप और एक फनल की मदद से उसके मुंह में खाना डालता है, और तभी मार्टिन को कॉल आता है कि सेंटीपीड मूवी के बाकी एक्टर्स भी मूवी के ऑडिशन के लिए आने वाले हैं। मार्टिन फ़ोन पर था और पीछे से येनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिससे परेशान होकर मार्टिन एक कैंची की मदद से येनी की जीवान को काट देता है, जिससे कि उसका काफ़ी खून बहता है। मार्टिन सभी को लैक्सेटिव के इंजेक्शन देता है, जिससे कि लूज मोशन हो जाती है, और इंजेक्शन कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। लैक्सेटिव इंजेक्शन के कारण जल्दी सभी लोग लूज मोशन करने लगते हैं, जिसे शुरुआत में मार्टिन काफ़ी इंजॉय करता है, लेकिन ये घिनौना नज़ारा देखकर वो भी उल्टियाँ करने लगता है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी, जिसे मार्टिन ने सेंटीपीड में शामिल नहीं किया था, उसे लेबर पेन होने लगता है और वो भागकर बाहर कार में बैठ जाती है
और कार में ही बच्चे को जन्म दे देती है। अंदर वेयरहाउस में मार्टिन का ह्यूमन सेंटीपीड टूटने लगता है और लोग एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, जिसे देखकर मार्टिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सभी के गले काटकर उन्हें मारने लगता है। अंत में मार्टिन येनी को मारने आता है, लेकिन येनी उसकी टांगों के बीच में मारकर उसे गिरा देती है और एक फनल की मदद से मार्टिन के पालतू सेंटीपीड को मार्टिन की ऐस में डाल देती है, जिससे कि मार्टिन छटपटाने लगता है और गिर पड़ता है। मूवी के आखिरी सीन में हम फिर देखते हैं कि मार्टिन अपने पार्किंग टोल में बैठकर सेंटीपीड मूवी देख रहा है, ठीक मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन की तरह, और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का प्लॉट काफ़ी सिंपल है। एक एब्यूज्ड व्यक्ति, जिसे सभी लोग लूजर मानते थे, वो ह्यूमन सेंटीपीड और डॉक्टर जोसेफ से इतना इम्प्रेस होता है कि वो डॉक्टर जोसेफ की ही तरह ह्यूमन सेंटीपीड बनाना चाहता है, वो भी 12 लोगों के साथ, और इसीलिए वो सेंटीपीड मूवी के एक्ट्रेस को भी चुनता है। लेकिन मूवी की एंड में बताया गया है कि मार्टिन सेंटीपीड मूवी देख रहा था, जिसके दो मतलब निकलते हैं। पहला ये कि जो भी मार्टिन ने किया वो बस उसकी इमेजिनेशन थी, और दूसरा ये कि वो अपने सेंटीपीड के बाद वापस अपने काम पर लौट आया और अपनी फेवरेट मूवी एक बार फिर से देखने लगा। तो दोस्तों, मुझे तो पहली थ्योरी ज़्यादा ठीक लगती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और मार्टिन बस इस घटना को अपने दिमाग में ही इमेजिन करता रहा। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी वीडियोज़ आने वाली है।